जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोब का फोटो भी लगा हुआ है। बेसिकली इसका लोगो है, ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया कंपनी का जो लोगो है वो ये है। खैर, लोगो में कुछ नहीं रखा है, बात करते हैं कंपनी के काम की, काम और धाम की। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर का एक छोटा सा स्टॉक है जिसकी स्टॉक मार्केट में इन दिनों खासा चर्चा हो रही है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तेजी क्यों देखने को मिल रही है वो तो मैं बताऊंगा। जो मेन अपडेट है वो इस कंपनी के राइट इशू को लेकर। कंपनी ने अभी हाल ही में राइट इशू का अनाउंसमेंट किया है। मैंने पिछले बार जब वीडियो बनाया था आपको तो बताया था कंपनी हाल ही में राइट इशू लेकर आ रही है। उसका जब इशू ओपन होगा तो मैं इसके बारे में अपडेट करूंगा। तो अभी इस कंपनी के जो राइट इशू का इशू है वो ओपन होने जा रहा है। मैं एक एक चीज राइट इशू के बारे में और इस कंपनी ने जो राइट इशू जारी किए हैं, कितना फंड रेज करने जा रही है, कब इसका इशू ओपन होगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड का एक छोटा सा रिकैप ले लें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो तेजी एक दिन में देखने को मिली तकरीबन 4% के आसपास तेजी देखने को मिली है। और ये तेजी सिर्फ एक दिन की नहीं, पिछले यदि एक सप्ताह की मैं तेजी की बात करूँ तो एक सप्ताह में भी देखेंगे तकरीबन 14% के आसपास स्टॉक में रिटर्न निकाल कर आपको दिया है। और पिछले 6 मंथ में ओवरऑल देखें तो 6 मंथ में तकरीबन 72% का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल कर दिया है। अब देखिए ये तेजी इसलिए बनी है क्योंकि एक तो टेक्सटाइल सेक्टर की जो स्टॉक है इसमें आने वाले समय में भारत में टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी बूम करने वाला है। मैं काफ़ी दिनों से इस बात को आपको बता रहा हूँ। तो ये सेक्टर में काम करती है उसमें ग्रो कर रही है, सेक्टर ओवरऑल ग्रो कर रहा है भारत में। और दूसरी बात, कंपनी का जो मैनेजमेंट है जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे हाल ही में राइट इशू लेकर आया है और ये समय समय पर आपको बोनस, राइट इशू ये सब देते रहता है स्टॉक, तो आगे भी इस तरीके की चीज़ें आपको मिलते हुए रहेंगी। तो जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, एक तो उनको शेयर के प्राइस बढ़ने से फायदा होगा ही, और दूसरा फायदा होगा कंपनी राइट इशू ला कर आएगी, कंपनी आपको बोनस देगी, कंपनी डिविडेंड देगी, तो इस सब चीज़ों से भी आपको बोनस होगा। तो ये जब कॉर्पोरेट एक्शन बेसिकली ये सारी चीज़ें कहलाते हैं, तो जो जिस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन समय समय पर होते रहता है, लोगों को उस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है। और जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा क्योंकि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इस स्टॉक्स में शेयर प्राइस के बढ़ने के अलावा। तो ग्लोब टेक्सटाइल्स का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्ज्वल है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप बेशक समय दीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं राइट इशू के बारे में, समझते हैं कब से ओपन हो रहा है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर, क्योंकि ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये बीएससी पर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ एनएससी पे ही लिस्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ों को समझते हैं। देखिए 19 फरवरी के दिन का ये अपडेट है कंपनी के जो राइट इशू को लेकर अपडेट आया है। इस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ था और इसमें सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। यहाँ पर आप देखेंगे जब थोड़ा नीचे आएंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो आपको कॉर्पोरेट बेसिकली जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, चाहे कंपनी डिविडेंड दे या बोनस दे, वो कहीं भी आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट एक्शंस वाले सेक्शन में ही आपको दिखेगा। देखिए राइट इशू यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब राइट इशू में जो सबसे पहला चीज है वो आप समझिए कि 23 फरवरी को इसका रिकॉर्ड डेट था, यानी कि 23 फरवरी तक जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स थे या 23 फरवरी के पहले जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को बाय किए थे, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, या राइट इशू का जो बेनिफिट मिलेगा वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास पहले से कंपनी के शेयर्स थे 23 फरवरी के पहले। राइट इशू बेसिकली देखिए होता क्या है, राइट इशू में नाम से स्पष्ट है कि इस पे जो ये इशू है उससे पहला जो राइट है वो इन्वेस्टर्स का, जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनका पहला राइट होता है। इसमें होता क्या है कि राइट इशू में कंपनी मार्केट प्राइस से इस कंपनी के, जैसे मार्केट प्राइस में इसका प्राइस है 4 रुपए, लेकिन जो कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है उसमें इसका प्राइस रखा गया है 3 रुपया। राइट इशू में यही बेनिफिट होता है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर कंपनियां अपने शेयर्स जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इशू करते हैं कि मैं कम प्राइस पर आपको भी शेयर्स दे रहा हूं, आप इसको बाय कर लीजिए। बेसिकली कंपनी को जब फंड रेज करना होता है मार्केट से तो कंपनी राइट इशू लेकर आती है, क्योंकि आईपीओ तो एक ही बार आता है, आईपीओ से भी बेसिकली फंड रेज किया जाता है, लेकिन आईपीओ एक बार आता है, राइट इशू को बाद में लाया जाता है फंड को रेज करने के लिए। तो अभी कंपनी को कम से कम 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, कंपनी 50 करोड़ रुपया जुटाने जा रही है इस राइट इशू के जरिए। और ये जो राइट इशू ओपन होगा वो आपको ओपन होगा 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक ओपन रहेगा, यानी कि इस दौरान आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जब इशू ओपन होगा तो आपको राइट इशू के कुछ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेंगे। आपके पास सभी जितने शेयर्स हैं इसके, उससे एक्स्ट्रा कुछ शेयर्स आपको डीमैट अकाउंट में दिखने लगेंगे और वो इनएक्टिव शेयर्स होंगे, तो आप समझ जाएगा कि वो राइट इशू का शेयर से आरी शेयर्स हैं। और उसको यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो बेचिएगा मत, और यदि नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 6 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में जरूर बेच दीजिएगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि जब इशू क्लोज होगा तो उसके बाद वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, वो ये जो आरी शेयर्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इस दौरान अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई करना होगा तो आरी शेयर्स को नहीं बेचना है, यदि अप्लाई नहीं करना है तब आप जरूर इस शेयर्स को बेच दीजिएगा 6 मार्च से 15 मार्च के बीच में। तो राइट इशू में कंपनी कितना फंड जुटाने जा रही है, और मैंने शेयर का प्राइस भी बताया 3 रुपए के हिसाब से आपको इसमें शेयर्स बाई करना रहेगा, प्लस जब राइट इशू ओपन होगा क्या टाइम पीरियड रहेगा मैंने वो भी बता दिया। इसके अलावा राइट इशू से रिलेटेड मन में कोई दूसरा सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में इसके संबंधित आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।